तो आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, ठीक है। और इसमें सिंपल प्रेजेंट जो है वो इसमें हम देखते हैं कि एक्टिव से कैसे में पैसिव में तब्दील होता है, जो मैंने पहले बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जी अबॉय और इधर अकार दकार है, दकार बिगिनिंग में आ जाएगा, अबॉय एंड में चला जाएगा और ये थर्ड फॉर्म है, उसके बाद बाई लग जाएगा, ठीक है। दकार is remark का इस्तेमाल होता है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर उसके बाद बाई आ जाता है और फिर इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है जो पहले था, ठीक है। तो ये बन जाएगा द कार इज वॉश्ड बाई अ बॉय। अब इसके बाद हम देखते हैं जी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है। अ बॉय इज वॉशिंग द कार, अगेन मैं कहूंगा कि इसको एंड में ले जाएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे देखिए द कार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, इज वैसे का वैसे ही, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। बीइंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लग जाता है इज एम आर के बाद, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म लगती है और फिर उसके बाद वाई लगता है और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। तो सारे का सारा मैं बता दूं, द कार इज बीइंग वॉश्ड बाय अ बॉय, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। अ बॉय हैज वॉश्ड द कार, अगेन वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, बॉय द कार की जगह पे चला जाएगा, द कार अ बॉय की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए द कार हैज बिन, हैज अ बिन लगा देते हैं, ठीक है, हैज तो ऑलरेडी है, बिन लगा देते हैं और फिर थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद साथ बाई और फिर सब्जेक्ट एंड में आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो ये बन जाएगा द कार हैज बिन वॉश्ड बाय अ बॉय, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं सिंपल पास्ट के अंदर, ठीक है, अ बॉय वॉश्ड द कार, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं अबॉय आ गया जी, द कार आ गया, अबॉय सब्जेक्ट है, द कार जो है वो ऑब्जेक्ट है, फिर अगेन द कार पहले आ जाएगा, अबॉय एंड में चला जाएगा, ठीक है, और है सिंपल पास्ट, तो वाज वर्ब लगा देते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाई लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, द कार वाज वॉश्ड बाय अबॉय आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके अंदर अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो जरूर पूछें और वरना कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो फिर अगेन मैं थोड़ी सी बात दुरुस्त शिफ्ट की जरूर करूंगा कि आज नहीं तो कल हमने 5-6 फुट नीचे चले जाना है, हमने जाना है, किसी को माफी नहीं, ना बादशाह को, ना गदा को, ना फकीर को, ना किसी को भी नहीं, ठीक है। तो जरूर शिफ ऐसा साथी है कि जो कबर में भी आपकी कबर को इंशाल्लाह रोशन भी करेगा और आपके साथ अल्लाह ताला के फजल करम से देगा, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक रोज में हर रोज जो है वो 1000 मरतबा मुझ पर जरूर शिफ पढ़ता है तो उसको मरने से पहले जन्नत में अपना मकाम दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा कम से कम 1000 मरतबा तो ज्यादा रोजाना पड़ेगा, कोई से शार्ट दुरूद शरीफ आप ले लें, ठीक है, बीच में वैरायटी है दुरूद शरीफ की, नमाज वाला भी है, कोई सा भी शार्ट आप पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला हबीब मुहम्मद अलैहि वसल्लम तो मैं खुद पढ़ता हूँ, ये अलामा इकबाल रहमतुल्लाह का था, ये दुरूद खिदरी शरीफ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम में कौन बनेगा करोड़पति दुरूद शरीफ के अंदर, ठीक है। तो हम सब कोशिश करें कि इंशाल्लाह मरने से पहले नियत करें कि 1 करोड़ दुरूद शरीफ सब ने पढ़ के मरना है, पढ़ के जाना है दुनिया से, ठीक है। कम से कम 1 करोड़ का टारगेट तो रखें और कोई मसला नहीं है, ये तो आप ये कह दें कि थोड़ा थोड़ा भी आप करके पढ़े, 1000 के हिसाब से भी डेली बेसिस पे पढ़े तो हो जाता है। वैसे तो कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जो अपनी स्टडीज के साथ साथ
हजारों के हिसाब से 40-50 हजार भी पढ़ते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपनी स्टडीज की तरफ भी तवज्जो दें और अपने जो मामलात हैं मामलात जिंदगी उसकी तरफ भी तवज्जो दें, नमाज रोज़ा ठीक है कुरान पाक की तरफ, ये सारी बातें साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को पकड़ लें और बाकी चीज़ें छोड़ दें, वालदैन का कहना मानना, साथ साथ अदब करना, वालदैन का एहतराम करना, ये सारी बातें, ऐसा ना हो कि यही वजह कि आज ही इन्होंने तो सिर्फ दुरुशी को पकड़ा और बाकी सारी चीज़ें तो इग्नोर करें, ऐसा नहीं। आपकी सियासी समाजी ज़िंदगी बिल्कुल मुतासर नहीं होनी चाहिए, साथ साथ उसको सबको कंटिन्यू रखें, लेकिन इसको भी आपने करना है। कल फ्राइडे है इंशाल्लाह, दुरुद शरीफ जितना भी आप लोग मुझे बताएंगे हमारा दुरुद शरीफ कर देंगे, उसमें हमने करा देना इकट्ठा, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि 1 करोड़ जो बैंक के अंदर उसके अंदर बेशुमार मेंबर्स हैं, 70-80-83 मेंबर्स हैं, अब तो बढ़ते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पर जो है वीक का 1 करोड़ हमने कोशिश शुरू कर दिए, पढ़ के भेजा करेंगे। तो इस तरह ये बेसिकली डिजिट में डालने का मकसद ये कि हमें थोड़ी सी दुरुशीफ की लालच रहे, वरना तो अनगिनत पढ़ने का पढ़ना चाहिए, ठीक है। और दिखावा भी नहीं करना चाहिए, दिखावा भी हम नहीं कर रहे, ठीक है। ये तो आप ये कह दें कि एक इंकरेजमेंट है, एक किस्म की एक तरगीब के लिए बातें बताई जाती हैं, ठीक है बेटा। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।